तो गाइस अभी हमें मामा रिफ्रेशमेंट सेंटर और भाई यहाँ की सांभर वड़ी ना बहुत ज्यादा फेमस है, तो चलो देखते हैं यहाँ की सांभर वड़ी बनती कैसे, उसके बाद में इसको टेस्ट भी करते हैं और भैया से बात करते हैं। भैया नमस्ते। भैया क्या नाम है आपका? मेरा हितेश लोकिया। अच्छा, और भैया मैं यहाँ पे जब से आया ना, मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप यहाँ की एक बार सांभर वड़ी ट्राई कीजिए, तो अपने सांभर वड़ी में ऐसी क्या खास बात है जो इतने सारे लोग यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं? सांभर वड़ी का टेस्ट और क्वालिटी एकदम यूनिक है। अच्छा, अमरावती में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके, सांभर वड़ी जो है वो मैदे का कवर रहता। अच्छा अच्छा, तो वो मैदे की बनती है क्या? बेसन वाला नहीं? बेसन वाला। अच्छा, मैदे का कवर है और अंदर सिंगदाने जो रहते हैं वो और सांभर इसको मिक्स करके मसाला। ओके, उसका जो स्टफिंग है वो सिंगदाने और सांभर। अच्छा, उसको फिर डीप फ्राई करके। अच्छा, तो भाई मैं बताना चाहूंगा ये भाई इनकी थर्ड जनरेशन है, इनके दादाजी ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, तो ये रहे इनके दादाजी। और भैया आप थर्ड जनरेशन है, राइट? अच्छा, तो और क्या क्या फेमस है अपने यहाँ पे? सांभर वड़ी है, क्योंकि सांभर वड़ी तो मुझे काफी लोगों ने सजेस्ट किया, तो मैं आज सांभर वड़ी बेसिकली यहाँ पे ट्राई करूंगा। और क्या क्या उसके अंदर? और पेटिस ये इंट्रोड्यूस है अमरावती में अपन ने। अच्छा, सांभर वड़ी और पेटिस। अच्छा, पेटिस भी है, वो आप फास्ट में भी खा सकते हैं। अच्छा, फास्ट में भी खा सकते हैं। अच्छा, वो आलू का बना हुआ रहता है। अच्छा, उसके अंदर सिंगदाने और गीले कोपरे का मसाला। अच्छा, ओके, ये इसकी स्टफिंग रहती है और सांभर। अच्छा, ओके। और भैया यहाँ की सांभर वड़ी की एक खास बात है कि इसको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं, तो वैसे कितने दिन नॉर्मली प्रिजर्व होता है? 5 से 6 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको फ्रिज में रख सकते हैं? फ्रिज में भी रख सकते हैं आप। अच्छा, बाहर भी रख सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो आउट ऑफ इंडिया भी लेके मैंने ये भी सुना है यहाँ से आउट ऑफ इंडिया भी जाता है। आउट ऑफ इंडिया भी, तो वहाँ पे वो लोग रख सकते हैं, एक एक महीना खाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, एक एक महीना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सही में अपना प्योर पल्ली तेल में रहता। अच्छा, लाइफ अच्छी है। क्या बात है यार, मैंने तो यार एक एक महीना बोले तो बहुत ज्यादा हो गया है ना। आउट ऑफ स्टेशन लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा यार, यार सही मानना पड़ेगा यार, भैया हमारे लिए भी एक प्लेट लगवा दो। एक प्लेट सांभर वड़ी लगा दो। और एक्चुअली साथ में जो मिर्ची आती है उसकी भी स्पेशलिटी। अच्छा, ये वाली मिर्ची का? अच्छा, ये मिर्ची में मसाला रहता है। तो ये कौन सी चटनी है भैया? ये टमाटर की, टमाटर और बेसन की चटनी सांभर वड़ी के साथ में देते हैं। और ये जो है ग्रीन चटनी, ये सांभर और पुदीना। अच्छा, सांभर और पेटिस में, ये उपवास के लिए इसको पेटिस के साथ में देता। अच्छा, ओके। तो देखो यहाँ पे अभी अपनी सांभर वड़ी की प्लेट लगने जा रही, तो एक प्लेट में दो आती है भैया? एक प्लेट में दो पीस। अच्छा, तो ये है चटनी, इसमें क्या क्या मिक्स रहता है? टमाटर बेसन, टोमेटो और बेसन। अरे वाह, क्या बात है। और ये स्पेशल वाली इनका आचार है ना? मिर्ची। अच्छा चलो गाइज, इसको टेस्ट करके मैं आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। तो देखो भाई, यहाँ पे अपनी सांभर वड़ी बनती रही है। एक खास बात मैंने यहाँ पे नोटिस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी मेकिंग देखो यार, अगर आपने नॉर्मल सांभर वड़ी देखी होगी ना, आपको पता है वो कैसी बनती है, बट यहाँ की सांभर वड़ी ना काफी डिफरेंट है और अच्छा है भाई, गर्मा गर्म है। टेस्ट करके मैं बताता हूँ आपको कैसा है। ये वाली चटनी ना एक नंबर है, बहुत बढ़िया सांभर वाली भी, बहुत बढ़िया। इसका भी टेस्ट एक नंबर आ रहा है, एक नंबर टेस्ट है यार, बहुत मजा आ रहा है। ये वैसे अपने नागपुर में तो ऐसा टेस्ट नहीं मिलेगा आपको, अमरावती की स्पेशल बात है ये सांभर वाली। और भाई वर्थ इट है, 35 इसका प्राइस है, एक नंबर टेस्ट है, मजा आ रहा है। अगर आपको ये ट्राई करना है तो आपको आना पड़ेगा न्यू मामा रिफ्रेशमेंट सेंटर, और यहाँ की स्पेशल सांभर वड़ी ट्राई कीजिए। तो चलो मैं इसको फटाफट फिनिश करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई बढ़िया खाओ पियो और एंजॉय करो। तो भैया अपने शॉप का एड्रेस और एक बार टाइमिंग बता दो। गुजर मेगा मार्ट, जवाहर रोड, जस्टम चौक, अमरावती। और टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है मंडे टू सैटरडे आपको 9 बजे से रात के 9 बजे तक। अच्छा, और संडे को सुबह 8 बजे से 2 बजे। अच्छा, ओके भैया, थैंक यू।